आपके बिल्डिंग मटेरियल आ रहे हैं बिल्डिंग तो पहले के जो आप सिर्फ पत्थर डिफरेंट आ रहा है अच्छे अच्छे किस्म के आ रहे हैं बहुत ही आ रही है क्या कह रहे हैं ब्यूटीफुल चीजें आ रही हैं ठीक है ना। इसी तरह अगर आप देखेंगे आपके छत हाँ बताइए सबसे पहले मास्क दे दिए सैनिटाइजर यूज किया तो सोशल डिस्टेंसिस का पूरा ख्याल रखा और ये बेंचेस ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखे थे ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आएंगे उनके लिए यहाँ पे कैसे सोशल डिस्टेंसिस मेंटेन करें वॉशरूम्स को कैसे तैयार रखा जाए स्टूडेंट्स के लिए तो ये भी प्रिंसिपल साहब ने स्कूल के गेट पे पहुंचे आने की टाइम पे हमारा जो इनॉग्रेशन था बहुत अच्छा था वेलकम हमारा बहुत अच्छे से हुआ और हमारी फीलिंग्स जो थी बहुत मतलब कि उभर रही थी कि आज हमें 3 साल के बाद स्कूल जाना है स्कूल्स को देखेंगे और मतलब इतने सारे जो हमने प्रॉब्लम्स देखी इन 3 सालों में उसके बाद हम लोग फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे एंड वो भी स्कूल में पूरे उसी मतलब अंदाज से जैसे हम पहले जाते थे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था बहुत अच्छी फीलिंग्स थी और जो हमारा वेलकम भी था वो भी बहुत अच्छे तरीके से था हमारे टीचर्स भी उतने ही ज्यादा खुश थे जितने हम थे कि हम लोग स्कूल आ रहे हैं फिर से हम लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी वैसी जैसे पहले थी तो होगा कि सारे SOPs को फॉलो करके आप सभी लोग स्कूल्स आए अगर हम लोग अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखेंगे तो हम इंशाल्लाह इस कोविड से क्या मतलब कोविड मतलब जो हमें अभी तक जो हुआ कि उससे हम बहुत अभी जितना हमने इससे लड़ा उतना ही हम आगे भी कर सकते हैं अगर हम SOPs का ध्यान रखेंगे जैसे हमारे स्कूल में है कि हम जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सैनिटाइजर्स एट्रा सब कुछ हो रहा है तो उसी की वजह से हम लोग SOPs भी फॉलो करेंगे और हमारी पढ़ाई भी ठीक ठाक से हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि आज बड़ी मुद्दतों के बाद स्कूल्स खुल चुके हैं तो इस सिलसिले में हमारे ऑफिसर साहबान ने कमिश्नर एजुकेशन हमारे डायरेक्टर साहब ने हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा ने या हमारे इंटर स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने ऑलरेडी ऑर्डर्स दे रखे थे हमें कि जो ही स्कूल्स खुलेंगे आप SOPs का ख्याल रखिएगा यहाँ पे वाशरूम्स को तैयार रखिएगा क्लासरूम्स को तैयार रखिएगा लाइब्रेरी को तैयार रखिएगा तो अल्लाह का शुक्र है कि आज जो ही हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स आए तो आप लोग खुद भी देख रहे होंगे हमारे क्लासरूम्स भर चुके हैं लेकिन SOPs का ख्याल हर जगह पे रख लिया है हम लोगों ने तो इससे पहले कि हम लोगों ने ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी तो हमने 4 आदमियों को गेट पे लगा रखा था मास्क हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हम लोग वहाँ पर टेम्परेचर उनका देख रहे थे और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे न्यू कमर्स या हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे हम लोगों ने उनमें टाफियाँ डिस्ट्रीब्यूट की और वो सभी लोग आज हमें खुश दिखे पूरा स्कूल खुश है पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट खुश है ये खुशी का मुकाम है अल्लाह का करम है कि हमें फिर स्कूल में आने का मुकाम हमने अपने आप को खुश नसीब फील किया और बच्चों में जोश खरोश था कि वो एक मरतबा फिर 2-3 साल के अरसे के बाद वापस अपने स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं तो बच्चों में भी जोश था और असातिज़ा किराम में भी जोश था हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उनकी तरफ से डायरेक्टर साहब की तरफ से और CO साहब की तरफ से जो भी हिदायत अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।